सुजानपुर के स्वामी विवेकानंद पार्क में प्रशासन की ओर से लगाई गई स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा की देखरेख न होने के कारण स्थानीय निवासियों में रोष है। वहीं युवा वर्ग ने प्रशासन के आगे मांग की है कि स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा के ऊपर शेड का निर्माण करवाया जाए, जिससे उनकी प्रतिमा को खराब होने से बचाया जा सके। मेरा नाम रोशन मिश्रा है ते ऐ सारे मेरे सहपाठी हैगे आ। अहीं पार्क दे विच हमेशा जी तां इत्थे स्टडी करदे आ ते क्योंकि साइलेंट जगह हैगी है ते इस करके इत्थे आ के ते जिले असीं सारे बैठे गए ते अज फिर देखिया कि मूर्ति दे उपर चिड़ियां ने बिट कर दित्ती है ते बहुत ही गंद पा दित्ता हैगा। पर मन दे विच अहीं हर वार करने आ, हर हफ्ते की सफाई सफाई अहीं आ के क्यों करनी है, क्योंकि ये साडे आदर्श हैगे ही। ते पहले सुजानपुर के जिले आप सारे इकट्ठे होंगे कोई पहचान नहीं है सुजानपुर की, लेकिन जो का स्वामी विवेकानंद पार्क बनी है वो साड़ी एक पहचान बन गई कि इन्हों के सुजानपुर के बहुत सोहनी जगह हैगी है। इस करके अं अपनी पहचान खोना नहीं चाहते। मूर्ति लाण का तो ला दिता प्रशासन ने, पर ये उपर कोई देखरेख नहीं हैगी, कोई इन्हों की सफाई नहीं हैगी। जिले इन का कोई जन्मदिवस आता है तो सारे इकट्ठे हो जाने, अं इन पूजा भी करने, हार भी करने, पर जिले सारे खत्म हो जाता फिर इन कोई देखरेख नहीं हैगी। तो मूर्ति का एक अपमान होंगे प जिले उन्होंने उपर कोई चिड़ी बिट कर देती है, पंछी कोई खराब करता है, मकड़ी जाला लाता है, तो वह की होंगे कि पत्थर भी एक खराब हो जाता है, तो उन्होंने अपमान हो जाता जो साढ़े आदर्श है। तो अं जवान है, नौजवान साढ़े जोड़े है उन्होंने अं इन आदर्श लैके चले गए हैं। तो मन के यही कि अगर प्रशासन ने साड़ी आवाज़ सुनती पी है तो थोड़ा जहा बस एक अरदास है कि प्रशासन आगे कि इन्हों के उपर एक शैडो थोड़ा जहा खर्चा होगा। मूर्ति बहुत महंगी हैगी पर एक थोड़ा जहा खर्चा है कि एक शैडो लवा दे लॉन में, अं नौजवान भी लवा दीए, पर एक्चुअली की हैगा वो साढ़े स्टडी मैटर तो इन्नी खर्चे निकल पाते। तो इस करके प्रशासन ही साड़ी सहायता करे, अगे कोई हेल्प चाहिए होगी हर हफ्ते के हफ्ते इन्हों की मूर्ति साफ करेंगे, वो साडा कर्तव्य भी हैगा नागरिक आम नागरिक होने के नाते। राम राम जी।